3rd सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक गिलगित में बुद्धिज्म कायम रहा। यहाँ बुद्धा का कार्व्ड स्टैचू एक पहाड़ पर बना हुआ है जो कि आज से 1400 साल पुराना है। गिलगित बल्तिस्तान में पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और ये तकरीबन दूसरी सदी ऑनवर्ड्स बुद्ध मत के ज़माने की हैं। स्क्रिप्चर्स हैं, और फिर आप आ जाएं बाहर चलास के एरिया में, केकेएच के ऊपर आपको जो हमें कुछ फिगर मिला है हज़ारों की तादाद में ये स्क्रिप्चर्स हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये सारे सबमर्ज होने हैं जब डैम बनेगा, ये सारों ने ख़त्म होना है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है, इसको किस तरह बचाया जाए, आया बचाया जा सकता है या नहीं, ये खैर अलग इशू है। तो अगर हम इस तरह बात करें तो आप आगे आते जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में फिर नपुरा का इलाका है, अच्छा, जहाँ पे हैंजल है। इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बुद्ध मत के ज़माने की निशानियाँ हैं, इनकी इबादतगाहें हैं जो कि अभी सिर्फ रेमनेंट्स हैं, मतलब वो सारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स ये अभी भी हैं, अब बहुत ज़्यादा तादाद में। स्टूपा के बारे में अगर हम देखें तो ये प्री हिस्टोरिक एक हमारी हेरिटेज है। तो ये लोग एज मतलब जो मॉन्क्स थे, सिल्क की तजारत के लिए वो चाइना के वास्ते सेंट्रल एशिया वारित हो जाते थे। तो वो यहाँ आके इस तरह अक्सर उनका ये होता था कि जब वो प्रीचिंग के लिए निकलते थे उसी वक्त वो साथ इस तरह करते थे कि अपना जो जितना भी उनका जादरा होता था अपने साथ पूरा बोरिया बिस्तर उठा के निकलते थे, कि मतलब लाइफ टाइम का उनका सफ़र होता था। वो सबसे पहले यहाँ लोगों को स्लिक बेचते थे, फिर यहाँ लोगों को अपना ना प्रीचिंग करके उसको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करते थे। यहाँ ये था कि जो प्री हिस्टोरिक एरा था, ये तरखान डायनेस्टी के कहा जाता है, वो जो लोग थे वो इसको मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते थे। होता ये था कि कोई ख़बर पहुंचानी हो या कोई आगे कोई आफत आ रही है या कोई ख़तरा हो रहा हो, तो वो लोग ऐसा करते थे कि इस स्टूपा पे चढ़ के एक स्टिक पे एक अलाव रोशन करके आगे मतलब लोगों को सिग्नल देते थे कि यहाँ जो है आगे से कोई ख़तरा है या कोई फौज हमलावर होने वाली है। My name is Jack. I'm from Singapore. I came to Pakistan yesterday, and I know about the Buddha from my tour agency. I traveled with a tour group, and this was one of the itinerary. Before I came, I was actually imagining the Buddha to be a statue, but when I came, I saw it's actually etched in the wall, and it's amazing. अगर आप देखें तो टूरिस्ट क्या चाहता है? Basically, हम गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए ये शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से हैं या जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें जब पता लगता है कि इस सदी की यहाँ पे चीज़ें हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट होता है उनको कि जाके देखें हम किस तरह की चीज़ें थी, क्या प्रैक्टिस करते थे लोग उस ज़माने में, दूसरी पाँचवीं सदी में, तो बड़ा इंटरेस्ट लेके वो आ जाते हैं। तो ये एक पोटेंशियल है टूरिज़्म के हवाले से भी, आप देखें तो पूरी दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें टूरिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमने पास्ट में इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आई थिंक द नीड ऑफ द टाइम इज़ के टू गिव द ड्यू इम्पोर्टेंस टू द फैसिलिटीज टू द टूरिस्ट, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स जनरेशन ऑफ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एज वेल एज इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर यह है कि इसको गवर्नमेंट की तहवील में लेके एक टूरिस्ट सपोर्ट के तौर पर इसको कन्वर्ट किया गया है। लोग यहाँ आते हैं और साइड पे अपनी तफरी के लिए अपना वीकेंड पे यहाँ आके अपना सारा दिन यहाँ गुजारते हैं। अब मसला हमारे साथ ये है कि ये चीज़ें छुपी हुई हैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया तो क्या, बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि इस तरह की कीमती जो वर्षा है हमारा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में है, जिनकी अगर लोगों को बड़े पैमाने में मालूम हो तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जितना टूरिज़म आएगा हम संभाल नहीं सकेंगे।